हेलो बच्चों, कैसे हैं आज? बच्चों हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है और थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री मीन्स क्या होता है बच्चों? थर्मो प्लस केमिस्ट्री, उष्मा रसायन, है ना। तो हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ते हैं। बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% की गारंटी है। हीट ऑफ फ्यूजन लिखेंगे, हीट चेंज आकर्ष व्हेन वन मोल सॉलिड एज कन्वर्टेड इंटू लिक्विड, विच इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। यानी सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर करेगा या इवॉल्व करेगा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। जैसे आइस है, आइस मीन्स क्या होता है बच्चों? आइस जो है यानी बर्फ, सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, प्लस यहाँ डेल एच लिख देते हैं, डेल एच बराबर प्लस 6 किलो जूल पर मोल इनर्जी रिक्वायर्ड करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। सोडियम है, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, मेटल है, सोडियम लिक्विड में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेल एच बराबर 2.6 किलो जूल पर मोल, है ना बच्चों। ये सब एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड है, NaCl सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग नॉर्मल साल्ट कहते हैं और पर डे हम लोग यूज करते हैं, है ना। NaCl को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो डेल एच हो जाएगा 28 किलो जूल पर मोल। यही है बच्चों हीट ऑफ फ्यूजन। रेगुलर क्लास करते रहिए बच्चों, छोटा छोटा वीडियो बनाया जाता है जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो। एक बार देखें, 5 मिनट में कंप्लीट, है ना। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।